मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आज कोर्ट में जो बुलडोजर को लेकर सुनवाई है, बहुत सा विपक्ष और विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये वाला जो आज कोर्ट ने बातें कही हैं ये सीधे सीधे आपकी सरकारों के लिए कही हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो या असम में हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार हो, उनके लिए कही गई है कि बुलडोजर चलेगा लेकिन बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। बुलडोजर जस्टिस कोई कर भी नहीं रहा है सुचरिता जी, बुलडोजर कहां कहां चले हैं ये बताइए पहले। बुलडोजर वहीं चले हैं जहां अवैध निर्माण हुआ, बुलडोजर वहीं चले हैं जहां सरकारी जमीन को छेक के लोग अपने व्यवसायिक गतिविधि कर रहे थे और पहले की सरकारें चुपचाप मौन होकर बैठी रहती थी, चाहे वो अतीक अहमद का हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो, चाहे कहीं भी हो। एक धर्म विशेष को प्रायोजित करके आप मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी बनाइए आप, ये अवैध है। आप संविधान की रट लगाते रखते हैं तो फिर संविधान का अनुपालन जमीन पे करने में दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य हैं, धार्मिक स्थलों की किसी भी तरह से अवैध कब्जा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समय देंगे किसी ने बना दिया, आप देखिए एक फैशन बन गया है, किसी भी जमीन का अतिक्रमण करना है ना एक मजार बना दीजिए आप, हो गया अतिक्रमण, उसका तो कोई हटा ही नहीं सकता है। मंदिर बना दीजिए रोड के बीच में, घंटी बजाते रहेंगे लोग, हाईवे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ बात मस्जिद की या किसी और चीज़ की नहीं है, यहाँ बात मंदिर हो चाहे मस्जिद हो कुछ हो, अगर अवैध है तो उसको ढहाया जाएगा। आज देखिए लोग सड़कों पे उतर जाते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में मंडी में शिमला में क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, और उसका रिजल्टेंट है कि अवैध निर्माण गिराने पर लोग खुद तैयार हो जा रहे हैं। धारावी में मुंबई में क्या हुआ, अवैध निर्माण एक तो वैसे ही क्लस्टर में बनी हुई है, उस पर से अवैध निर्माण कर लिया। तो तमाम चीज़ पर अगर सरकारें काम कर रही हैं, सवाल तो ये उठता है कि आज ही सरकार क्यों काम कर रही है, भाजपा ही की सरकार क्यों काम कर रही है, पहले की सरकारों को किसने मना किया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 12 से 17 में, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए किसने मना किया, कैसे अखिलेश यादव की सरकार में तमाम गुंडे और माफियाओं ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध बिल्डिंग बना ली जिसको आज हम तोड़ रहे हैं, आज तोड़ने पर इनके छाती में दर्द होता है, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए। आपने ये करने कैसे दिया भाई, करोड़ों की अवैध संपत्ति सरकारी संपत्ति को अपनी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए सारी जमीन हथिया क्या बैठ गए हैं। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आप सुन रहे हैं सुनील जी, ये वाली एक सोच लेकर सरकारों ने काम किया और सरकारों के नीचे जो लोग थे या फिर उस समय में लोग यही सोचते थे कि जो जमीनें सरकारी हैं वो हमारी है, ये अजय जी कह रहे हैं। अब आज तो कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया ना, उन्होंने कहा कि मंदिर भी और मस्जिद भी जो अवैध है उस पर कार्रवाई होगी, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई सियासी कलेश की गुंजाइश है। नहीं, मैं तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे हम लोग, बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स पर, बुलडोजर वाली रणनीति पर सर्वोच्च न्यायालय ने नकेल डाली है, और जो बुलडोजर बाबा है ना उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा वाली सरकार आने वाले चुनाव में जनता बाबा के भी नथेल डालेगी, क्योंकि जितने भी लोग बेलगाम होते हैं, बेलगाम लोगों का इलाज लोकतंत्र में जनता ही करती है, 24 में भी आधा इलाज हुआ है, बिगड़ी हुई सरकार का आधा इलाज 2024 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने किया है, और इसी बिगड़ी हुई सरकार में, जिस सरकार ऐसी सरकार जहां संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना गया हो और खुद को बुलडोजर बाबा कहलाने पर खुशी होती हो, गरीबों का घर गिराने में खुशी होती हो, लोगों को जमीन पर लाने में खुशी होती हो। देखिए अवैध निर्माण जो भी करें, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया मंदिर हो मस्जिद हो किसी का घर हो किसी का द्वार हो सब गिरेगा, और जो लोग कह रहे थे ना जमीनों पर कब्जा, आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों की जमीनें और सरकारी जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई हैं 2017 से लेकर के अब तक, और आप देखिएगा सुनील जी सरकार 27 में बदलेगी। पर सुनील जी ये वाली बात, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, ये आपने बुलडोजर बाबा नाम दे दिया है, ये बताइए जरा कि 2017 में, ये तो नाम आप ही लोगों का किसका दिया हुआ है, अब इस पर तो खैर अलग चर्चा होगी,
अलग चर्चा होगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने तब से बुलडोजर चलाया, लेकिन तब से जब बुलडोजर यूपी में चल रहा है तो बुलडोज तो आपकी ही सत्ता हुई है वहां पर, उनकी तो नहीं गई, आपकी चली गई सरकार, और उसके बाद 2022 में भी नहीं आई, तो यानी उनका मॉडल कहीं ना कहीं तो हिट हो रहा है कि आप लोग वापस नहीं आ पाए यूपी में। नहीं, उनका मॉडल इतना हिट हो रहा है कि देश के सामने, दुनिया के सामने उस मॉडल ने मोदी जी को घुटनों पर ला दिया है। घुटनों पर है कि नहीं मोदी जी? क्या वो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं? बोलिए अजय जी, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, घुटनों पर चलने वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 27 में भी नहीं आएंगे अब 24 के बाद। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने में किसी को रोक नहीं है, संविधान सबको आज़ादी देता है कि अपने लिए अच्छे अच्छे सपने देखें। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो 27 बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल गलत पूछ रही हैं सुजीत साधन जी से, हालांकि वो खुद वैसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी की जो संस्कृति है, उनके नेताओं की जो संस्कृति है, वो इस बुलडोज के खिलाफ नेचुरली जाएगी। जिसका नेता सरकारी आवास छोड़ने के पहले नल अटोटी खोल के ले जाता हो तो वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा उसके लोग कैसे नहीं करेंगे भाई? तो ये सवाल पूछना सुनील साजन इसे बिल्कुल गलत है, ये तो नेचर में है, अंदर में। आप कर्नाटक कांग्रेस को देख लीजिए, कर्नाटका के सिद्धरमैया जी पे क्या इल्ज़ाम लगा? प्लॉट कब्जा कर लिया, भूखंड कब्जा कर लिया, न्यायालय ने बोला कि FIR करो, ED ने FIR की, उनकी पत्नी ने आज न्यायालय में एफिडेविट दे दिया कि मैं सारे भूखंड वापस कर रही हूं, तो साबित हो गया ना कि भूखंड लिया था घोटाले से। तो ये तो इनकी फितरत में है, इनकी रगों में है, कैसे निकालेंगे आप? ये परिवारवादियों की रगों में होता है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर अवैध निर्माण करेंगे, उससे पैसा कमाई करेंगे, तमाम ये सब हरकत करेंगे। स्वाभाविक है, जो सरकार इस पर काम करेगी उससे उनको दिक्कत होती है। मैं और क्षणिक चुनावी सफलता से मन इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि भारी भरकम सपने देखने लगी। नहीं, अब आप बुलडोजर को लेकर, क्या बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट हैं? ये एक बड़ी बात है और बड़ी बहस है अपने आप में कि बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट है कि नहीं। लेकिन मैं एक बार DGP सिंह के पास जा रही हूँ, DGP डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, आप जानते हैं पिछले कई सालों से खासकर यूपी में लेकर अब और राज्यों में भी कई सवाल उठते रहे। कोर्ट ने कहा निर्माण अवैध है तो गिरना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध सरकारी जमीन पर, अगर आपने मंदिर खड़े कर दिए, मस्जिद खड़े कर दिए, हटाए जाएंगे, उस पर फिर आदेश एक समान होगा और सबको मानना होगा। अब सवाल यह है कि मैंने तस्वीरें भी दिखाई मंदिर की भी और मस्जिद की भी जहां उन्हें गिराया गया, जमीयत ने कहा था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट ने कहा सब पर समान कार्रवाई और वो होगी और वो हर जगह होगी। सुचेता जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का नमन करता हूं। हम में से कोई इससे सहमत नहीं था कि नाजायज बिल्डिंग हुई भूमि को रिक्त कराना चाहिए, और ये आवरण देने की कोशिश कमर पा गई कि नाजायज पूजा स्थल हम जहां चाहे बना लें, जो जमीन सरकारी वो हमारी, एक पर्दा हट गया और ये भी हो गया। सही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, आरोपी होने मात्र से ही बुलडोजर नहीं था, बुलडोजर चलता है अगर अतिक्रमण हुआ है। अब दो बातें हैं, यस, कोई आरोपी है और आरोपी सरकार ने काम किया। मैं DGP सर आपको ऑडियो थोड़ा ठीक करा रही हूँ, ऑडियो बहुत खराब आ